यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है भाई, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे इतने खराब हालात पैदा कर दिए गए हैं, कोई सोच भी नहीं कर पा। अभी देश के अंदर 10 साल हो गए सत्ता ने, जो भी आवाज उठाता है, कोई नौजवान आवाज उठाए, कोई किसान आवाज उठाए, उसकी आवाज पे लाठियां तोड़ के दबाने का प्रयास किया गया। किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया गया पंजाब के अंदर, कितने किसानों को गोलियों से उड़ा दिया गया। मोदी कहते हैं पूरी दुनिया में घूम के मदर ऑफ इंडिया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या ऐसे डेमोक्रेसी होती है? कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास लाठियां तोड़ के किया जा रहा। सयान किसानों को जो भूना जा रहा है, ये बात सहन करेगा सरकार पर अहंकार होगा, क्योंकि उन्हें देश की कृपा से आना है, आपकी वोटिंग करेगी लोगों को। देश के कोने कोने से आए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ योद्धाओं, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, पिछले दिनों 10 फरवरी को हरियाणा के जींद में 36 किसान संगठनों की हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान संगठनों की एक बैठक हुई थी। हमने भी इस बात पर संज्ञान लिया था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। साथियों, आज इस देश के अंदर 10 साल हो गए सत्ता ने, जो भी आवाज उठाता है, कोई नौजवान आवाज उठाए, कोई किसान आवाज उठाए, उसकी आवाज पर लाठी और गोली से दबाने का प्रयास किया गया। अभी ताजा दान देखिए, निहत्ता किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया गया पंजाब के अंदर, कितने किसानों को गोलियों से उड़ा दिया गया। अरे जैसे यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है भाई, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे इतने खराब हालात पैदा कर दिए गए हैं, कोई सोच भी नहीं कर पा। मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया में घूम के मदर ऑफ इंडिया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या ऐसे डेमोक्रेसी होती है? कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास लाठी और गोली से किया जा रहा। सयान किसानों को जो भूना जा रहा है, ये बात सहन नहीं करेगा। ये और जो ईवीएम पे हमला किया है, ईवीएम के लिए जो ईवीएम पे आप लोगों ने हमला बोला है, और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस बुद्धिजीवी समाज में जो संज्ञान लिया है, ये कोई छोटी बात नहीं। क्योंकि कोई भी आज आंदोलन करता है, कर्मचारी कर ले, नौजवान कर ले, किसान कर ले, सरकार को इतना अहंकार हो गया है, क्योंकि उन्हें ईवीएम देश की कृपा से आना है, आपकी वोटिंग करिए लोगों को, ईवीएम की सेटिंग से लोगों ने जीत कराना है। तो इसका जवाब देने के लिए एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएं। मैं सभी साथियों जो आए देश के कोने कोने से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई, मेरे को जो समय दिया डॉक्टर उदित राज जी ने और दीपक बाबरिया का, मैं धन्यवाद करता हूं। एक किसान के बेटे को जो समय दिया यहां, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।